अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आपकी दुआओं की वजह से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक, खुश और मज़े में हूँ। तो हम जा रहे हैं लाहौर टू सऊदी अरबिया। तो बस अब हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। ये मैं हमें तीन साढ़े तीन बजे किस तरह वो हम लोग घर से निकल रहे हैं रात के तीन साढ़े तीन बजे। तो हमने ये सारी पैकिंग कर ली थी, ऑलमोस्ट हमारी डन हो ही गई थी। बस बहुत मुश्किल से इस तरह स्लो 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 सारे काम सब चल ही रहे थे, लेकिन डरी हुई भी थी कि इस तरह अल्लाह ना करे हम वापस ना आ जाए। तो माशाल्लाह मेरे साथ मेरी फैमिली इस तरह मुझे वहाँ ड्रॉप करने के लिए, वहाँ पर क्या नाम एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए हम लोग गए थे ये लोग वहाँ पर। तो मामू मामी कि ना मैं अफनान और साथ में अदनान या हम ये सारे सर और हमारी फैमिली फुरकान साथ में। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी हमारी मेमोरीज इस तरह ना ये कैप्चर हमने कैप्चर भी कर ली थी। तो बस जब भी हम भी यहाँ से जाते होते थे ना, जब भी हम कहीं जाते होते थे घूमने भी निकली तो साइन बोर्ड्स आते हैं, तो रस्ते में मैं फुरकान को कहती थी गाड़ी ना इधर टर्न कर लो ना, ये हमें एयरपोर्ट छोड़ दो, ये मुझे एयरपोर्ट छोड़ दें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जो मुँह से निकला वो पूरा हो गया, अल्लाह पूरा कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। तो बस ये मुँह से निकली हुई बातें पूरी हो गई माशाल्लाह। अब्बू अम्मी ने बुलाया, अल्लाह करने वाला है, अल्लाह वसीले बनाता है। तो माशाल्लाह हुरैन पैदा हुई, हुरैन का माशाल्लाह लक इस तरह का पड़ना, कब का हम जाना 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 कर रहे थे कि बस बीच में कोरोना आ गया, कितना कुछ हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुरैन आई। तो बस हम लोग फाइनली हम वहाँ से निकल गए, तो पाकिस्तान से निकल के हम सऊदी आ ही गए। तो बस इधर एयरपोर्ट पर जाते ही देखें साथ अपने माशाल्लाह मामू मामी हैं साथ में, बच्चे हैं। तो बस हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, ये देखें कितना खूबसूरत मून भी ऊपर इस तरह मून के साथ साथ फुरकान भी सैड हुए हुए थे। मैंने कहा चलो हाथ पकड़ के चलते हैं। तो बस फुरकान बेचारे बहुत सैड हुए हुए थे। तो फिर कहा कुछ नहीं होता, 3 मंथ से गुजर जाएंगे जल्दी से। बस हम लोग इस तरह रहते नहीं होते एक दूसरे के बगैर ना, फुरकान भी नहीं रहते, हम भी नहीं रहते ना, बच्चे भी नहीं रहते हमारे। लेकिन बच्चे तो यहाँ आके नानों घर आके नाना बू के घर आके तो बहुत ज़्यादा इस तरह से हुए हैं। वो कहते हैं कि 4 मंथ कर दो, 6 मंथ कर दो, 1 ईयर कर दो, इस तरह कर दो, उस तरह कर दो। कहा इस तरह इतना नहीं होता, पढ़ना नहीं है तुम लोगों ने। तो बस फिर वहाँ से मैंने इधर स्वीट्स लेनी थी, मैंने यहाँ से सोन हलवा, इधर से फिर मैंने एयरपोर्ट से सोन हलवा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा सामान, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा सामान अपना जमा करवा दिया था, कुछ हाथ में हमने कुछ भी नहीं रखा सिवाय हुरैन की बैग के था और मेरा हैंड बैग था और हुरैन मेरे हाथ में थी, बाकी हमने सारा अपना सामान जमा करवा दिया था। तो बस अब हमने यहाँ से हमने सोन हलवा लिया, बच्चों ने चिप्स इस तरह ये ली और साथ में ये मरिंडा ली थी हम लेके। फिर इधर ये लाउंज में बैठ के हम वेट कर रहे थे, तो कह रहे थे जब अनाउंसमेंट होगी तो बस फिर जाएंगे। तो बस मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, एयान को इधर ज़बरदस्ती मैंने बुलाया था, एयान का मूड इधर सख्त ख़राब है, वो कह रहा था मुझे उठ के खेलने, तो मैंने कहा था आराम से। तो वो देखें ये सोन हलवे का वो एक शॉपर है और वो हमारा ये बैग है बस रेड कलर का और साथ में मेरा ये हैंड बैग और ये हाथ में हमने फाइल पकड़ी थी और सुभान माशाल्लाह कह रहा था मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मामा। तो बस और ये हुरैन इधर फीडर पी रही है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बस ऐसे ही था ना कि बस इस तरह के कोई भी अल्लाह ना करे जितने ऐसे वो इशूज आए थे तो हमें कोई इशू इस तरह कहना देते कि जब वापस चले जाओ, ये आपका ये नहीं है, ये वो नहीं है, कुछ भी कह देते तो बस इस तरह दिल डरा हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये माशाल्लाह हमारे 4 पासपोर्ट बोर्डिंग पास है, हम लोगों ने सारी चीज़ें पकड़ी हुई हैं। तो बस अब हम वेट कर रहे थे, हमने 23 गेट से जाना, तो हम इधर बैठे हुए थे कि जैसे ही अनाउंसमेंट होगी तो बस फिर हम लोग जाएंगे। तो बस इधर देखें सब लाइन वाइज इस तरह खड़े हो गए, लाइन से लग गई। तो बस फिर अब हम लोग जा रहे थे, तो बस अभी देखें कितनी लंबी लाइन है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ये एक अलग सी फील थी ना कि इस तरह के क्या हो रहा है। तो बस सुबहाने जब हमने जब इधर ये प्लेन देखा ना तो बस सब था बस अब जाके बस अंदर जाके बैठ जाएँ। तो बस इधर कहा सुबहाने कहते मम्मा चले, मैंने कहा नहीं थोड़ी देर में वीडियो शूट कर लूँ अपने व्यूवर्स के लिए और कुछ इस तरह हम अपनी पिक्चर्स बना लेते हैं। तो बस हमने इधर खड़े हो कि आपको पता है ये भी मस्ट है, इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है, किसी का भी गुजारा नहीं, बड़े क्या छोटे क्या इन्हीं एजेंट क्या, सब ने हाथों में मोबाइल पकड़े, सब शूट कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कोई व्लॉग बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बस अभी हम यहाँ से ये टर्न करके हम ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये क्या नाम है ये इसका रास्ता था, ये अंदर जहाज़ के अंदर जाने का इन्होंने ये रास्ता बनाया हुआ था। तो बस अब हम ये अंदर जा रहे हैं। तो बस अब अच्छे से जाते 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 हमें अंदर उन्होंने वेलकम कहा, इतने अच्छे सा एक हमें एक अच्छी सी एक एयर होस्टेस खड़ी हुई थी, या मेल एयर होस्टेस था, हमें मेल थी नहीं आ गए, इस तरह का शूट हुआ होगा तो फिर नज़र आ जाएगा, पता चल जाएगा। ज़ाहिर 2 वीक्स हो गए, पीछे बीमार भी हुए, घर में आए, अब मम्मी के साथ फैमिली का टाइम स्पेंड, हल्ला गुल्ला आपको पता है, फिर जब फैमिली टुगेदर हो तो कैसे हल्ला गुल्ला होता है। तो बस उसी में फुल बिजी हुए हुए था।
इस वजह से शूट भी नहीं कर पाए ज़्यादा इस तरह। फिर कहा चलो जो शूट किया उसको तो एडिट किया जाए, उसको तो हम वो अपलोड करें। तो बस अभी मैंने सोचा चलो आज इसको एडिट करके अपलोड करते हैं। बस जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी, मुझे डर लग रहा था कि हमें वापस ना भेजें, कोई इशू ना बन जाए। लेकिन सामान खुलवाया था, दो बैग्स खुलवाए थे, वो कहते हैं इतना क्या है ये जो इतने बैग्स आपने फुल किए हुए हैं। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं, सामान है, बच्चों का सामान है, वहाँ पर देने लेने वाला सामान है, मैं अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ, तो ज़ाहिर है कोई गिफ्ट से इस तरह की चीज़ें हैं और तो कुछ भी नहीं है। बस वो कहते कि आप ये खुलवाएं आप इसको ना, तो खुलवाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी जो वापस गई, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही रहा। तो बस अब हम ये देखें एयरप्लेन में बैठ चुके हुए हैं, तो बस वो देखें ये जो मेल एयर होस्टेस है ये सारा वो हमें हमारी सेफ्टी बता रहा है कि अल्लाह ना करे कोई भी इस तरह का इशू हो तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे। तो मैं इसको शूट कर रही थी तो वो कह रहा हमें उसकी नज़र पड़ गई, तो उसने इशारा कर दिया कि शूट नहीं करो। तो बस फिर हम लोगों ने कहा चलो बस रेस्ट करते हैं। फिर हम लोग बैठ के बातें करने लगे, सेल्फीज़ बनाने लगे। माशाल्लाह इतना खूबसूरत सफ़र, ऐसे ना बच्चों के साथ भी ना, फुरकान नहीं थे लेकिन फुरकान को हम मिस बहुत कर रहे थे, मिस नहीं बहुत ज़्यादा मिस किया हमने ना फुरकान को, मैंने तो बहुत ज़्यादा मिस किया ना। तो बस बैठ के फिर हमने हमने अपने अपने टाइम को हमने अच्छे से इंजॉय किया। सुबहानियान मैंने हुरैन सो रही थी और बस फिर हम लोग बैठ के बातें किए जा रहे थे। फिर सुबहान कह रहा था मुझे भूख लगी, बस मन का बस फिर भी वो ना हमें ब्रेकफास्ट देते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने सेल्फीज़ बनाई, थोड़ा सा शूट किया। तो बस हमें ये बीच वाली सीट्स मिली थी, हमें वो क्या नाम है विंडो साइड वाली सीट्स नहीं मिली, क्योंकि बस बच्चों को नींद भी थोड़ा सा हम लोगों ने नैप भी लिया था, मैंने तो बिल्कुल थोड़ा सा नैप लिया था, ये एयान सुभान ने थोड़ा सा लिया था। तो बस फिर ये देखें हमारा ये इधर मील आ गया, उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट दिया, ये बच्चों का ब्रेकफास्ट है, ये में हमें साथ नगेट्स थे, बिस्किट्स थे, और साथ में ये हमें कुकीज़ हैं साथ में, और साथ में पिज़्ज़ा है, साथ में केचप है, ये बच्चों का ये मील है। तो बस ये सुबहानियान का ये था। तो बस मैंने कहा चलो तुम लोग तो, एयान को तो भूख लगी, सुबहान को तो एज यूजुअल जब भी सुबहान को तो कभी भी कुछ भी दो खाने के लिए उसको भूख नहीं लगी होती, तो मैं कहती थी कुछ खा लो, तो कहता था मामा मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मुझे भूख नहीं लगी, तो मैं उसको कहती थी कुछ थोड़ा सा फिर भी खा लो ना तो ऐसे अच्छा लगेगा कि इस तरह। तो अभी है टाइम है थोड़ा, अभी इन्होंने ब्रेकफास्ट दिया तो फिर बाद में हमें टाइम लगेगा कि ना मैं घर जाएंगे तो फिर घर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे ना। तो कहता था मुझे भूख लगी नहीं, मुझे कोई नहीं इस तरह कि मैं मुझे नहीं इस तरह। फिर मैंने कहा चलो ठीक है सही, फिर हमने साथ में रख लिया कि अगर भूख लगी तो फिर बाद में इस तरह दे देंगे इसको। फिर मैं ज़बरदस्ती फिर भी इसको खिला रही हूँ, मैंने कहा पिज़्ज़ा खा लो, कहता मैं पिज़्ज़ा नहीं खाना। तो फिर क्या मैंने कहा चलो फिर ऐसे करो ये कुकीज़ जो हैं ये साथ में खा लो, ये बिस्किट्स हैं साथ में ये खा लो या नगेट्स खा लो। तो कहता नगेट्स मेरा मूड नहीं हो रहा, मैं सिर्फ ये बिस्किट्स खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और हुरैन मैडम बहुत हैरानगी की बात थी कि ब्रेकफास्ट आया था और हुरैन मैडम सो रही थी। हुरैन मैडम की तो ऐसे खुशबू से आँखें खुल जाती हैं, बस माशाल्लाह 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 इसको भी ना नज़र ही लग गई, बस सब इस तरह माशाल्लाह कर रहे थे। तो बस ये हुरैन सोई हुई थी, तो बस फिर पहले उन्होंने बच्चों को दिया, बच्चों के बाद फिर बड़ों की बारी आई। ये जैम था साथ में बटर, साथ में ये कॉकटेल, ये इसमें पाइनएप्पल मिक्स फ्रूट इस तरह था, और साथ में ये क्रोसन था, और साथ में इसमें ये था क्या नाम है, मैंने दो मील लिए थे। मैंने कहा ऐसे बच्चों को अगर भूख लगी, एयान को दोबारा वापस भूख लगी, तो मैंने एयान के लिए दोबारा एक और उनसे मील ले लिया था। तो मैंने कहा फिर भी कहते हैं ना सेफ्टी फर्स्ट, एहतियाती तदाबीर। साथ में ये चिकन था, साथ में ये एग के अंदर इन्होंने हमें वो मिंसड मीट डाला हुआ था, कीमा था मेरे ख्याल में, और साथ में वो बॉटल्स थी। बस फिर हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट करके, तो बस बाद में मैंने एक कप टी का लिया, तो जो कि ना जिसके अंदर बटर और जैम पड़ा हुआ था उसी वही कप था। तो बस वो मैंने वो टी ली, और बच्चों को सर्दी लग रही थी तो कूलिंग ज़्यादा हुई भी थी तो बच्चों को सर्दी लग रही, हालांकि बच्चों ने ये वाले कपड़े नहीं पहनने थे, लेकिन इसके ऊपर मुझे ये पहनाने पड़े, ये हुडी टाइप इस तरह ना, ये यानी गर्म टी शर्ट है, उसको बनानी पड़ी। फिर बस मैंने वो कप दिया अपने बॉक्स में से ये कप, तो उन्होंने फिर यह कर दी मैंने चेक। तो बस हम लोग फिर वो उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी, उन्होंने कहा आप लोग रेस्ट करें। तो बस फिर हम लोग लेटे भी थे सोने, हम लोग लेटे आंखें भी बंद की रेस्ट कर रहे थे, तो इतने में हुरैन मैडम उठ के बैठ गई। तो बस मैं आपको बताया नहीं, मैं नहीं सोई, मैं फिर हुरैन मैडम के साथ लगे, मैंने कहा चलो इन्जॉय करते हैं, ये सोना उठना ये सब कुछ तो चलता रहेगा, घर जाके सोचेंगे कोई बात नहीं। बस फिर सुबहानियान आपको पता है माशाल्लाह दोनों बातें करने वाले, यहाँ तो ज़्यादा स्पेशली है यहाँ के क्वेश्चन इस तरह फिर साथ पूछ ही जा रहा था कि मामा ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर साथ मैं उन क्वेश्चन के आंसर दे रही थी और साथ हुरैन के साथ इन्जॉय कर रहे थे। हुरैन मैडम उठी थी, हुरैन मैडम को हमने ब्रेकफास्ट नहीं करवाया था, हमने कहा ये घर जाके ये सिर्फ मिल्क ही लेना कि ऐसा घर जाके इसको देंगे। तो पहले सोचा कि अंडा, फिर मैंने कहा इसका कोई
डायपर चेंज करने का ना हो जाए सीन, तो बस कहा ऐसे ही डायपर चेंज के, ज़रूरी कि हमने ये पोर्टेबल ही डायपर चेंज करना, तो बस फिर उसको ऐसे ही डायपर चेंज कर दिया और घर का घर जाके उसको ब्रेकफास्ट दे गया। तो बस फिर बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे, फिर वो सीट्स के पीछे ये कार्ड्स से पड़े हुए, इनको निकाला, तो फिर ये सेफ्टी, फिर सुभानियन के क्वेश्चन फिर स्टार्ट हो गए कि मामा ये क्या है, ऐसे क्यों वैसे, कि फिर उनको सारा बारती समझाती कि ये अल्लाह ना करे कोई भी इशू हो जाता है, किस तरह प्लेन में इस तरह कोई मसला बन जाता तो ये उसके लिए ये उसका बता रहे हैं सारा। फिर उनको सारा समझाया था ये ऐसे, ये मास्क है, ये है, ये वो क्या नाम है, पैराशूट है, ये पहनने के लिए सारा उनको बता रही थी। तो हुरैन मैडम तो खेलने लगी इन कार्ड्स के साथ, तो बस फिर हम लोगों ने वापस उसके अंदर रखे। मेरी ब्यूटीफुल सी फैमिली आ चुकी थी मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पे, तो बस अब हम लोगों का भी प्लेन जो है वो लैंड होने वाला था, तो बस अब हम इंजॉय कर रहे थे। तो हमारे साथ एक वो भाई थे, बहुत अच्छे वो ब्रदर थे, तो उनको हमने कहा ये ज़रा शूट कर दें, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा शूट किया। वो मैं कहती इतना ज़्यादा नहीं शूट करना, लेकिन वो मैं आपसे शेयर करूँगी अभी थोड़ा, मैं आपसे के साथ थोड़ा शेयर करती हूँ कि जो बस ये देखे लैंड करते हुए, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो बस अब हम मैं हमारा प्लेन जो है लैंड कर रहा है, तो हम इंजॉय करते हैं। सुभानियन बहुत एक्साइटेड थे, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सऊदी अरेबिया पहुँच गए हैं। तो बस मेरी फैमिली आई हुई थी लेने के लिए, हमें रिसीव करने के लिए बुके के साथ, माशाल्लाह हमारी दो कार्स आई हुई थी, लेकिन मेरे भाई दोनों मेरे साथ ही आए भी, वो दोनों साथ ही थे और साथ में गए भी मेरे साथ ही थे। बस उनको था कि बस मेरे साथ इस तरह ना कि हम लोग साथ में वो करते, तुम जाके उस कार में बैठो, तुम वो ड्राइव करो, वो करते सर। माशाल्लाह सामान था हमारा, आपको पता पाकिस्तानी आए और सामान ना, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो बस फिर वो लगे हुए थे, लड़ रहे थे कि तुम जाओ, फिर कहा चलो नहीं, दोनों साथ ही बैठ के इस तरह चले जाते हैं। तो बस अब हम इंजॉय कर रहे हैं, तो बस अब हम लोग एक ना मैं उतर रहे थे, तो बस ये देखें कितना रश है, तो बस ये नीचे भी एक बस आई है, वो बस ये देखें खड़ी है, इस बस में हमने जाना है। तो ये जो भाई हमारे साथ आके खड़े हैं, इन्होंने हमारा सामान, वो कहते आप टेंशन मत लें, ज़ाहिर माशाल्लाह मेरे साथ मेरे तीन बच्चे इस तरह, तो वो कहते हैं आप बिल्कुल भी टेंशन लें, मैं आपके साथ ही हूँ। तो बस फिर हमने ये इन भाई ने हमारी बहुत हेल्प की है, अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, इंशाअल्लाह आमीन सुम्मा आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से कि जब कोई आपकी हेल्प करता है। तो बस अब हम ये देखें बस में खड़े में, बच्चे फुली एक्साइटेड हैं, प्लेन से उतरे, प्लेन में तो प्लेन को देख रहे थे। तो बस ये देखें हम अब ये PIA को, प्लेन को हमने बाय बाय कह दिया, तो अब हम ये इस तरह यहाँ इमिग्रेशन के लिए ये लाइन में लगे हुए। तो बस इधर जब इधर आए तो बच्चों को उन्होंने ड्रॉप्स पिलाए, मुझे नहीं पिलाए, सबको पिलाए, बस बच्चों को पासपोर्ट दिए थे, उन्होंने कहा था वन बाय वन सब अपनी बारी में आए। तो बस बच्चों को मेरे पासपोर्ट पकड़ाए हुए हैं, तो बस ये हमने इमिग्रेशन में हमें थोड़ा टाइम लगा। बस फिर बाद में देखा तो चेन से हमारा सामान उन्होंने उठा के नीचे रखा हुआ था, बस वो फिर उन भाई ने हमारी हेल्प की, उन भाई ने सारा वो ट्रॉली में ये सामान रखा। तो बाहर बस अब फैमिली वेट कर रही थी, अब मैं बहुत ज़्यादा हम खुश थे, हम सब मिलने के लिए एक दूसरे से, बहुत इस तरह से वो एक्साइटेड हुए। ये भाई जो मैं आपको बता रही थी, इन्होंने हमारे सारा सामान इकट्ठा किया, लाइन पर लगे दो दो ट्रॉली, एक इनकी ट्रॉली थी और दो हमारी ट्रॉलीज थी। तो इन्होंने सारा सामान सारा कलेक्ट करके, तो बस हमारे हाथ में ये था, हैंड करी था। तो बस ये देखे हम लोग फाइनली हम लोग मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। 5 years बहुत टाइम होता है, मेरी सिस्टर ने मुझे बुके दिया, इसके ऊपर एक कार्ड भी था, वेलकम होम आयशा, ये वेलकम होम फैमिली कुछ इस तरह का था। तो बस वो मेरी कार्ड कहीं गिर गया था, हुरैन को कि ना मैं अब्दुलरहमान मेरा भाई है, उसने फ़ौरन हुरैन को पकड़ लिया, सुभानियन अपने मामों के साथ हो गए। तो बस अब हम जा रहे हैं, उन भाई को मैंने थैंक यू कहा अच्छे से, उनको दुआएं दी, उनको अल्लाह हाफिज़ कहा। तो बस अब ये हम लोग सामान लेके जा रहे हैं, ये एक ये गाड़ी है और ये एक हमारी फॉर्च्यूनर, ये भी हमारी गाड़ी है। तो बस अब सामान हम फॉर्च्यूनर में हमने कुछ रखा कुछ उसमें रखा, तो बस ये कह रहे थे कि तुम उसमें चले जाओ, लेकर आ सको फिर चलो दोनों साथ ही बैठ जाते हैं। तो बस फिर हम लोग गॉसिप करते हुए बातें करते हुए, और ये मेरे जब मैं पहले पाकिस्तान आई थी ना, तो सऊदी से पाकिस्तान आई थी, तो मेरा भाई ड्राइव करता था मोहम्मद, माशाल्लाह मैंने फर्स्ट टाइम अब्दुलरहमान को से ड्राइव करते हुए देखा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हमारे लिए जूसेस लेके आए थे, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। खुश रहे, खुश रखे, खुशियाँ बांटिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भी याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और ये देख लीजिए माशाल्लाह हुरैन कैसे इंजॉय कर रही है, कैसे देख रही है, बस सर्दी थी वहाँ पे, यहाँ पे तो मौसम ये नहीं सही था। तो बस आप ये देख लें, ओके अल्लाह हाफिज़।